सदर साहब का इशारा हुआ है कि मुख्तसर से वक्त में, चूंकि यहां पर हमारे हिंदू भाई भी तशरीफ फरमा है, उनको मद्देनजर रखते हुए कुछ पेश करें। अगर अल्लाह झूठ ना बुलाए तो 24 साल का वक्फा इस फन कव्वाली में मुझे हो गया है। शौक से शुरू हुआ था, इश्क में बदल गया है। 24 साल में, 24 साल में जब जब ये रिक्वायरमेंट आई है मेरे पास, एक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर अक्सर याद आता है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो अक्सर मैंने जो बात कही है वो आप तक भी पहुंचा रहा हूं कि मेरी फील्ड के जितने मुझसे बेहतर लोग हैं, मैं सबसे कमतर हूं, जितने मेरे बड़े लोग हैं, जितने मेरे इस फील्ड में तमाम हजरात जो मेरे सर के ताज हैं, बेहतरीन से बेहतरीन कौमी एकता उन्होंने पेश की है, मगर मैं एक जुमले में अपनी बात पेश करना चाहता हूं और हमारे हिंदू भाई तशरीफ फरमा है और तमाम और मजाहिब के लोग भी जितने यहां पर तशरीफ फरमा है। मैं कौमी एकता पढ़ने से ज्यादा हमारे वीआईपी गेस्ट हैं वीरेंद्र सिंह दरबार जी, जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, वो तशरीफ फरमा बतौर खास नजर करना चाह रहा हूं और उनकी पूरी टीम। और मैं चाह रहा हूं कि मैं भले ही 10 मिनट के लिए आपको खुश कर सकूं, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं खुश करूं आपको। तो कौमी एकता यहां स्टेज पे पढ़ने से, शेर व शायरी लिखने से बहुत बड़ी बात नजर कर रहा हूं कि इससे बड़ी एकता हमारे बीच में क्या हो सकती है कि हम अब्दुल शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मना रहे हैं और दरबारी जी तशरीफ फरमा है। अभी इन्होंने कौले रसूल भी सुना, ये नाते रसूल भी सुनेंगे। ये है हमारा हिंदुस्तान। अब जो चीज मैं आपके सामने नजर कर रहा हूं, इससे पहले आपने बहुत सुना होगा, बहुत मकबूल गीत है वो, लेकिन आप सब मुझसे वाकिफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। सारा आलम आईना बासित, जैसी निगाहें वैसे नजारे। हमारे खास मेहमानों को खुश करने की कोशिश कर रहा हूं और उनको साथ खुश करते करते अहले महफिल को भी झंझोड़ने की कोशिश करूंगा। देखें मजमून, देखें क्या उठाया, समाज फरमाए। इससे पहले जो सुना था आपने, ये जो मैं पेश कर रहा हूं, वो मुझे नहीं मालूम किस तसव्वुर से, किसके लिए सुना हो आपने, मगर अभी इसमें एक जगह ऐसी आएगी कि इंशाल्लाह आपने वो बहुत से फनकार देखे होंगे जो पब्लिक से कहते हैं कि भाई जो रसूल अल्लाह का आशिक है वो हाथ उठाए। ये सब बातें ठीक नहीं है, जो नहीं उठाए वो आशिक नहीं है। लेकिन मैं जो शेर पढ़ूंगा और उसकी तमहीद जो मैं फिर आपके सामने पेश करूंगा, मुझे यकीन है आप हाथ नहीं उठाएंगे, इंशाल्लाह आप मोहब्बत से मेरे पास जरूर आएंगे। समाज फरमाए। ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं।
علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہزاروں سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سرکار کے کئی فرمان ہیں لیکن سرکار کا ایک بہت بڑا فرمان ہے، اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، اپنے سنا سنا کے غم عشق کے فسانے کو لگا رہا ہوں تیری راہ پہ زمانے کو۔ سرکار کا فرمان اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، میں اہل علم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا وہ پڑوسی ضروری ہے کہ مسلمان ہو؟ یہ تو ضروری نہیں۔ سرکار نے فرمایا پڑوسی کا خیال رکھو، ذرا میری طرف مخاطب ہو جائیں، مجھے دیکھتے رہیں، پڑوسی کا خیال رکھو۔ کس کا خیال رکھو؟ وہاں لفظ مسلمان تو نہیں ہے نا، کس کا خیال رکھو؟ میرا پڑوس میں یہ بیٹھا ہے میرا بھائی منجیت راؤ۔ کون ہے؟ منجیت راؤ۔ اس کے پڑوس میں ہے وزیر چراغ، اس کے پڑوس میں ہے راجیو، پھر یہ ستیش، پھر یہ ارحم، یہ منظر، پھر آپ کا مکرم۔ یہ گواہ ہیں راجیو، منجیت، یہ سب گواہ ہیں۔ میں نام نہیں لوں گا اس جگہ کا صدر صاحب، بس اتنا بتاؤں گا کہ گزری ہوئی 16 اور 17 کو میرا پروگرام ایک بہت بڑی جگہ پہ تھا، میں نام نہیں لے رہا، بہت بڑا شہر ہے، لائف چل رہا ہے، اصل میں پھر یہ ریکارڈنگ بھی ہے، دل آزاری نہیں ہونی چاہیے کسی کی۔ 2 مہینے پہلے پروگرام بک کرایا میں نے، اور کوئی بات چھپی نہیں، 30,000 روپے ایڈوانس تھا میرے پاس، باقی مجھے جو اور لینا تھا وہ لینا تھا۔ پروگرام سے 1 ہفتہ پہلے وہاں کے صدر کا فون آتا ہے، مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ کے ساتھ کچھ ہندو لوگ بھی ہیں پارٹی کے اندر؟ اس نے ٹکٹ پہ نام پڑے ہوں گے، میں نے کہا ہاں ہیں۔ تو کہا کہ مناسب نہیں ہے صاحب، تو میں نے کہا زیادہ دیر نہ کریے، مجھے اکاؤنٹ نمبر بھیجیے، میں آپ کے یہاں نہیں آ پاؤں گا۔ یہ گواہ ہیں۔ میں نے کہا میں نہیں آ پاؤں گا، اور میں نے کہا اس سال نہیں، آپ مہربانی کر کے کسی بھی سال فون مت لگائیے گا، میں نے کہا وہ کسی ولی کا آستانہ ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ معافی مانگنے لگے، میں نے کہا نہیں، میں نے کہا آپ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ چشتیہ خان کا ہے۔ میں نے کہا چشتیہ خان کا ہے؟ حضور غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سلطان الہند نے بھنگی کا جھوٹا کھانا کھایا ہے، آپ نے یہ کہہ کیسے دیا کہ آپ کے ساتھ کیا ہندو لوگ ہیں؟ میں نے کہا میاں بہت مسلمان ملیں گے پڑھنے والے آپ کو، میں نہیں مل پاؤں گا انشاءاللہ، میں نہیں آ پاؤں گا۔ تو میں نے تمہید باندھی ہے۔ دیکھیے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سب سے، آج سے پہلے آپ نے اس نظم کو، اس گیت کو کسی اور ڈھنگ سے سنا ہے، مگر میں اس کو کہاں لے جاؤں گا؟ ان کا دل خوش کرنا ہے مجھے، اور آپ لوگوں کے دل کو بھی خوش کرنا ہے۔ دیکھیں اے آبرو گنگا کچھ تجھ کو یاد ہوگا، اے آبرو گنگا کچھ تجھ کو یاد ہوگا، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، تو دھرتی سنہری امبر نیلا، دھرتی سنہری امبر نیلا، دھرتی سنہری امبر نیلا، ہر موسم رنگیلا، ایسا دیش ہے میرا، او ایسا دیش ہے میرا، ایسا دیش ہے میرا، ایسا دیش ہے میرا، دھرتی سنہری امبر نیلا، دھرتی سنہری امبر نیلا، ہر موسم رنگیلا، ایسا دیش ہے میرا، او ایسا دیش ہے میرا، ایسا دیش ہے میرا۔
अरे बोले पपीहा कोयल गाए सावन घिर घिर आए ऐसा देश है मेरा ओ ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा अल्लाह मरहूम के मौला सलामत रखे मौला सलामत मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए मौला डॉक्टर राहत इंदौरी साहब मिश्रा याद आ गया अल्लाह अकबर सभी का खून शामिल है सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है रंगी कितनी चुनरिया उड़ उड़ जाए रंग बिरंगी कितनी चुनरिया उड़ उड़ जाए रंग बिरंगी कितनी चुनरिया उड़ उड़ जाए पनघट पे परहारन जब गगरी भर भर आए पनघट पे परहारन जब गगरी भर भर आए पनघट पे परहारन जब गगरी भर भर आए मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए मधुर मधुर तानों में कोई बंसी कोई बजाए खुसरो रैन सुहाग की मैं जागी पी के संग तन मोरा मन पी हुका सो दोनों एक ही रंग मधुर मधुर तानों सी कोई बजाए मधुर मधुर तानों में कोई बंसी कोई बजाए मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए इस गुलाम वारिस की ये फितरत है तसलसल छोड़ता नहीं है चाहे कुछ भी हो मकामे अहले बैत से नहीं हटता हूं मकाम कुछ भी हो मुझे खुदा की कसम हिंदुस्तान से पंजतन की खुशबू आती है आप क्या बात करते हैं आप इस मट्टी ये कौन ये मट्टी
आज से पहले नोट नहीं करा होगा आपने, अब ध्यान दीजिएगा, बारिश का मौसम आने वाला है। जब बारिश होती है तो ये खुशबू आती है, करोड़ों रुपए में कोई खरीद के बता दे वो खुशबू के साबुन में खरीद लो, नहीं खरीद सकता। क्यों? अबू तुराब की मिट्टी की खुशबू है, इस खुशबू को कोई नहीं खरीद सकता, इस मिट्टी से अबू तुराब की खुशबू आती है। देखें, मधुर 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 तानों में जय बंसी कोई बजाए, मधुर मधुर तानों में जय बंसी कोई बजाए। ए तो है ढेरू 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 मैं कुंवर कन्हैया, तो है टेरू मुरली के बजैया, है तो है टेरू मुरली के बजैया, है तो है टेरू अली जी के प्यारे, अली जी के प्यारे, फातिमा बीबी के राज दुलारे, मधुर मधुर तानों में कई बंसी चुलवानिया। यहाँ पर कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी, कोई प्रेम कहानी, ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश अब देखिए, अब मैं अहले इल्म से मुखातिब हूं, अहले इल्म से मैं मुखातिब हूं। नौ मुहर्रम की रात को इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम खुतबा पेश कर रहे हैं और ये खुतबा रोज जारी है, दस को भी है, नौ को भी, आठ को भी, हर रोज खुतबा है। आखिरी खुतबे में फरमा रहे हैं कि मुझे किस बिना पे कत्ल करना चाहते हो, वजह क्या है? या तो मुझे इमाम हुसैन फरमा रहे हैं, या तो मुझे मदीने वापस जाने दिया जाए, अपने नाना के मजार अकदस पे पूरी जिंदगी गुजार दूंगा, और साहब दूसरी बात क्या है, अल्लाह खुश रखे, या फिर मुझे हिंदुस्तान भेज दिया जाए। इमाम हुसैन फरमा रहे हैं। अब ये बात अलग है कि इमाम हुसैन के क्यों रहे हैं, यहां पहुंचना है हम और आपको कि हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश क्यों की जा रही है। अब मुझे आप सब ये बताएं कि इमाम हुसैन को करबला क्या कह के बुलाया था? मेहमान, मेहमान बुलाया था ना, उनको मेहमान बुलाया था, लेकिन मेहमानों के साथ क्या सलूक करा उन्होंने? कयामत से भी बड़ी कयामत है ना। और आका हुसैन की ख्वाहिश क्या है? क्यों क्यों मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, मेरे देश में मेहमानों को
भगवान कहा जाता है, मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है। तुमने मेहमान बुला के कत्ल वारत करा, दुनिया में एक मुल्क ऐसा है जहां मेहमान को अतिथि देवो भव कहते हैं, एक वो मुल्क है जहां मेहमान को भगवान कहा जाता है। इसलिए कह रहे हैं हिंदुस्तान जाने दो, क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह फख्र है मुझे हिंदुस्तान पर, मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है। भारत में घर वो आते तो भगवान कहते सब, भारत में घर वो आते तो भगवान कहते सब, भारत में घर वो आते तो भगवान कहते सब। हर हिंदू नाम पूजा में लेता हुसैन का, मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है। मौला हमारे सदर साहब की उम्र दराज करे। खुदा की कसम इन्हें सच्ची मोहब्बत है करीम साहब बाबा से, और इस मोहब्बत की दलील है ये आज का प्रोग्राम। एक शेर नजर कर रहा हूं, इसी नजम का अगला शेर देखे अब कहां लेके जा रहा हूं। मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है। अब सुल्तानुल हिंद कहां पर जलवा फरोज है? अजमेर शरीफ है ना, जबकि वो यहां के थे नहीं, वो कहां के थे है ना। मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यही कहो जाता है जो कहीं से भी आता है, वो यही कहो जाता है जो कहीं से भी आता है, वो यही कहो जाता है जो कहीं से भी आता है, वो यही कहो जाता है। मिसले फरीदोदी निजामोदी अलाउद्दीन, वो यही कहो जाता है जो कहीं से भी आता है, वो यही कहो जाता है जो कहीं से भी आता है, वो यही कहो जाता है जो कहीं से भी आता है, वो यही कहो जाता है जो कहीं से भी आता है, वो यही कहो जाता है से भी आता है। यहाँ पर कदम कदम पे है मिल जाने, कदम कदम पर है मिल जाने, कोई प्रेम कहानी ऐसा।